हेलो एवरीवन दिस इज रूही एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मंत्रा जीके डेली डोज जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है डेली की आपकी जीके की एक डोज रहेगी ट्वेंटी क्वेश्चन की राइट right? तो फर्स्ट पार्ट हम इसका अपलोड कर चुके हैं जिसको आप देख भी चुके हैं और सेकेंड पार्ट आज दूसरे दिन का सेकेंड पार्ट है आपके लिए इसमें हम आगे के ट्वेंटी क्वेश्चन देखेंगे तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की और मूव ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है

मुख्यमंत्री कौन रहा है ज्योतिवा ज्योति जो, ज्योति बसु हैं ये हमारे क्या है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं ओके पश्चिम बंगाल के हैं ये ये भी थोड़ा सा आइडिया रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये नील नदी है ठीक है नील नदी इंग्लिश में इसको नाइल नदी बोलते हैं ये हमारे पास अफ्रीका में स्थित है ओके अफ्रीका में है नील नदी ओके नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनाइट ओके किस तापमान पर सेल्सियस एंड फॉरेनाइट तापमान बराबर होता है तो ये फोर्टी डिग्री पर तो मतलब जो है सेल्सियस एंड फॉरेनाइट जो तापमान है वो बराबर होता है ओके कांसा किसकी मिश्र धातु है तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा ओके कांस युगीन संविधा जब हम पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते हैं कि उन

ठीक तो फुल फॉर्म क्या है पेट्रोलियम गैस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी है तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी ओके बाल गंगाधर तिलक आंसर होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राज्यसभा के कितने सदस्यों का है? चुनाव हर दो वर्ष के बाद होता है तो कितने सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा के तीन तिहा मतलब एक तिहाई सॉरी एक तिहाई सदस्यों का जो चुनाव होता है राज्यसभा के वो दो वर्ष के बाद होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है क्या है स्थायी मतलब सदन है स्थाई सदन है इसीलिए इसमें क्या हो जाता है दो वर्ष के बाद मतलब एक तिहाई सदस्यों का क्या होता है चुनाव होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो ये चार वर्ष का होता है ओके आंसर आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूवन करते हैं अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है तो सरयू नदी के किनारे स्थित है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कभी भी किसी भी अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप लोग थोड़ा आइडिया रखिएगा ओके कौन सी नदी पर कौन सा शहर स्थित है ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चंस जब भी आया करें मतलब जीके के आपके एक डेली डोज में तो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाया करिए ओवर फोकस कर लीजिए कर लिया करिए इस पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें जयपुर की स्थापना किसने की थी तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा ज मतलब सवाई आ, सवाई जयसिंह ने की थी ओके ये आप थोड़ा याद रखना जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह मतलब जयसिंह और जयपुर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था तो ये आपको पता भी होगा और नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा उन्नीस में, में पहला संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डूरंड कब किस खेल से संबंधित है ओके डूरंड कब किस खेल से संबंधित है तो ये फुटबॉल से संबंधित है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सन उन्नीस में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था उन्नीस में ये शुरू किया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार और ये किसे दिया गया था तो रूड किपलिंग को दिया गया था फर्स्ट ओके ये याद रखिएगा फर्स्ट जब भी कोई चीज आती है कि फर्स्ट कौन सा किसको दिया गया ये फर्स्ट कहाँ पे ये चीज़ हुई कोई चीज पहली बार निकली कहीं पे कोई चीज पहली बार बनी तो वो चीजें ज्यादा आपके क्वेश्चन में आप कभी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इवन जो है भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये इवन तूता जो था वो भारत आया था ओके भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं भारत के पहले कानून मंत्री थे ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे तो अभिज्ञान शकुंतलम लेखक जो है सॉरी गाइस कालिदास हैं ओके okay, ये आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है एक मई को बनाया जाता है ये याद रखना आजकल श्रमिकों से या महिलाओं से बनते हुए जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पे जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा फोकस करता है तो ये हमारी डेली डोज है जिसमें ट्वेंटी क्वेश्चन हम करते रहेंगे और अपकमिंग जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उसमें आने के आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इतना ज़्यादा आप ओवरलोडेड मत सोचिएगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कोई बात नहीं हम नॉर्मल जो हमारा स्टेप बाइ स्टेप टू स्टेप थ्री करके हम स्टार्टेड कर मतलब स्टार्ट करेंगे अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे और हो सकता है जिसको ये क्वेश्चन आते हैं वो उनको लग रहा हो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो उनके लिए ये ठीक है आगे हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे इसका जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा हार्ड करेंगे ओके okay? तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है फोर्टी नंबर क्वेश्चन जिसमें कि एक क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के साथ में एक छोटा सा मतलब यू नो रेड कलर भी है और आपको पता चल पा रहा है कि रेड कलर यू नो खतरे का निशान है यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है ओके okay? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नेत्र है ये आपको पता भी होगा नाम से समझ में भी आ रहा है लेकिन आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में और नेक्स्ट वीडियो में हम जब जो भी आंसर उसका सही देगा उसको बताएंगे कि हाँ ठीक है इन्होंने सबसे पहले और सही आंसर दिया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए आपने अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अप, अ, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और अब अग, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या हमारा फैमिली मेंबर हमारे मेंबर नहीं बने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे